या ठिकाणी मिळणार नाही, कधी एक चांगलं काम. कारण राजकारण खरं आहे की राजकारणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन लोकांचा त्या ठिकाणी राजकारणी म्हणजे लबाडच, चोरच, वाईटच अशा प्रकारची एक प्रतिमा गेल्या अनेक वर्षापासून होती. परंतु सुदैवानं या देशाला नरेंद्र मोदींचं नेतृत्व लाभलं आणि राजकारणाची सगळी परिणामच त्या ठिकाणी बदलून गेली. सुदैवानं या राज्याला देवेंद्र फडणवीसांसारखं नेतृत्व लाभलं आणि एक निष्कलंक कुठल्याही प्रकारचा एकही 5 वर्ष भ्रष्टाचाराचा डाग नसणारा मुख्यमंत्री या राज्याला लाभला. हे जरी राजकीय व्यासपीठ नसलं तरी राजकारणाची पहिले बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तो आता बदलायला लागलाय. चांगलं राजकारण आलंय, चांगलं नेतृत्व येते आणि जे वाईट आहे, जे तुमच्या नजरेत आता चित्रपटात तुम्ही काय पॉझिटिव्ह दाखवलं निगेटिव्ह दाखवलं मला माहीत नाही, तर तशा पद्धतीचं राजकारण हळूहळू चुकीचं त्या ठिकाणी कमी होत आहे. आणि निश्चितपणे खरं आहे की राजकारणी काल परवा सायकलवर असणारा राजकारणी एकदम मर्सिडीज आला तर शेवटी हे कुठनं येतं, कसं येतं, अशाच अर्थाचं मला वाटतं या ठिकाणी तुमच्या या कथाकारांचा किंवा दिग्दर्शकांचा निर्मात्यांचा त्या ठिकाणी विषय असावा. आणि एक समाजात किंवा राजकारणी लोकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा असा चित्रपट म्हटलं तर त्या ठिकाणी चुकीचं ठरणार नाही. अजून मी काय पाहिला नाही, तुम्ही जे काय सांगताय त्याच्यावर मी या ठिकाणी बोलतोय. मला आज आनंद वाटतोय की या निमित्तानं आमचे 2 मित्र या ठिकाणी म्हणजे प्रदीप पटवर्धन तर कॉलेजपासून मला वाटतं 10 वर्षांनी आम्ही आता भेटलो असेल, त्यामुळे तीही एक संधी या ठिकाणी मिळाली. आज पंडित राठोड असतील, संदीप पाटील या चित्रपट क्षेत्रात अत्यंत धाडसानं त्या ठिकाणी निर्मिती करतायत आणि मराठी चित्रपट काढणं ते नीटपणे त्या ठिकाणी जनतेसमोर नेणं रसिकांसमोर हे फार अवघड काम आहे. मग त्याचं फायनान्शियल मेकॅनिझम, मार्केटिंग ह्या सगळ्या गोष्टी असतात आणि अशा परिस्थितीत मराठी चित्रपट आज सर्व चित्रपटसृष्टीपेक्षा एक पाऊल पुढं आहेत हे सांगायला निश्चितपणे आनंद वाटतो. पण आम्ही शेवटी मराठी अस्मितेसाठी चळवळीतनं आलेले कार्यकर्ते आहोत, त्याच्यामुळे नेहमीच आम्हाला मराठी या विषयाचा सार्थ अभिमान राहिलेला आहे. आणि या चित्रपटांसाठी जी जी मदत लागेल, आज आम्ही अख्खी बँक आणली, मला माहीत नव्हतं मी आलोय चेअरमन, व्हाईस चेअरमन आलाय, डायरेक्टर आमचे आलेत, तर आपल्याला जिथे जिथे मदत लागेल त्या ठिकाणी बँक म्हणून सुद्धा आपल्या पाठीशी निश्चितपणे राहू हा विश्वास या ठिकाणी देतो. पुन्हा एकदा आपल्या सर्व या टीमला मी मनापासून शुभेच्छा देतो, आपला चित्रपट चांगल्या पद्धतीनं यशस्वी व्हावा आणि असं कोणी बोलू नये आता बस झालं दुसरा शो लावू नका, तर पुन्हा पुन्हा असे चित्रपट यावेत अशा प्रकारे अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. पुन्हा एकदा शुभेच्छा, धन्यवाद, जय जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय. यहाँ पे आके मुझे बड़ी खुशी हो गई है. मैंने मराठी सिनेमा और मराठी कल्चर से मेगा इतना जो जितना करीबी से मैं अभी देख रहा हूँ वैसे मैंने पहले कभी देखा नहीं है. हिंदी मूवी सिम्बा, गोलमाल और वैसे काफ़ी मूवीज में एज अ बिजनेसमैन हमने को ब्रांडिंग की थी 70-30 में, बट जो मासिस का जो फील है जो मराठी सिनेमा में महाराष्ट्र में स्पेशली है, ये पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. और मूवी के कुछ मैंने ट्रेलर्स देखे आज सुबह, इनफैक्ट एक शो में मैं सुनील सर के साथ मिला, सुनील शेट्टी जी के साथ, उन्होंने एक वीडियो भी भेजा है कि वो नहीं आ पाए बिकॉज हिज सन इज गेटिंग लॉन्च्ड नाउ, अहान शेट्टी, आपने पेपर्स में पढ़ा होगा. तो वो मुझे बता रहे थे कि बहुत सारी मराठी पिक्चर्स जो है वो इतना बिजनेस कर रही थी और इतना कनेक्ट है, आप सोशल मीडिया पे चेक कीजिए, जो अच्छी खासी नेशन वाइड जो बॉलीवुड मूवीज है हिंदी मूवीज भी नहीं कर पाती है. सो मुझे कुछ ही दिन पहले श्री जी से मैं मिला और पंडित जी तो मेरे आई थिंक वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. एंड जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी को के लिए एक बहुत बड़ा आई मीन आई विल बी डिससैटिस्फाइड इफ एज अ बिजनेसमैन आई डू नॉट एसोसिएट विद दिस पिक्चर. आई थिंक मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बींग अ महाराष्ट्रन एंड ऑल्सो बींग यू नो वन ऑफ द एस पाइनियर्स इन द इंडस्ट्री, कि हर एक व्यक्ति जो ये मूवी को देख के कुछ सीख सकता है उसको ऐसे लगेगा हाँ यार ये देश में जो अभी चल रहा है उसके कंपेरिजन में ये जो मूवी बनी है इसमें सच बात कही गई है. और वो देख के ये भी बोल सकता है कि जो पार्लियामेंट में चल रहा है अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अप्रिशिएट
दादा यहाँ बैठे हुए थे 2014 से 2019 के बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो सुधर गई है, लेकिन हम डरते हैं ये कहने से कि हाँ वो चीजें सुधर गई है। तो आप पिक्चर देखेंगे और अभी का ग्राउंड जीरो पे हाल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है एंड थैंकफुली हमारी जिंदगी ऐसी नहीं है जो पिक्चर में दिखाई गई है। यू नो सो मुझे ये सारी चीजें बहुत पसंद आई और मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी के साथ जुड़ना चाहिए और हर एक पक्ष जो ये मूवी देखना चाहता है, जो जिस जैसे मेरे जैसे जो सिंधी समाज के लोग है, शायद वो मराठी नहीं बोल सकते और मराठी मूवी देखते भी नहीं है, ट्रेलर आता है उसको छोड़ देते हैं, बट मैं इस मूवी को इसके लिए प्रमोट करूंगा कि जो नॉन मराठी स्पीकिंग भी लोग हैं उनको भी रीजनल मूवीज को सपोर्ट करना चाहिए और जाके देखना चाहिए, तब उनको समझेगा कि सिर्फ इंडिया में बॉलीवुड मूवीज नहीं है। आप दुबई जाइए, अबू धाबी जाइए या लंदन, यूरोप कहीं भी जाइए, मराठी मूवीज का एक बड़ा मार्केट है और यही एक इंडस्ट्री है। रियल एस्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ तो रियल एस्टेट के बारे में तो बोलना नहीं चाहूंगा बिकॉज सारे बिल्डर्स की हालत खराब है इस समय, बट ये एक इंडस्ट्री है जो पैसा कमा रही है, जो टैक्स भर रही है, तो वी मस्ट एनकरेज ऑल सॉर्ट ऑफ मूवीज। थैंक यू। शिरीष राणे दिग्दर्शक, माझे खूप चांगले मित्र, मसबेकर सरांनी जसं सांगितलं की या सिनेमाचं नाव आधी दिनकर संभाजी चव्हाण होतं, शिरीषने मला सांगितलं असं असं गाणं लिहायचं आहे, ह्या सिनेमाचा बाज असा आहे, यात अशी अशी स्टोरी आहे, तर मला अचानक एक दोन शब्द सुचले, आता बस। आणि मी शिरीषला विचारलं आता बस ह्या ओळींवर काही लिहिता येईल का, म्हणजे मी लिहू का, तो ला कॅरी ऑन, आणि मग जे गाणं जन्माला आलं ते हे होतं। आणि मला आनंद आहे की आता ह्या सिनेमाचं नाव सुद्धा आता बस आहे। आधी एक गोष्ट थोडी क्लिअर करतो की मागच्या 2 वर्षाआधी ज्या चित्रपटासाठी यांना गीतकार म्हणून महाराष्ट्र शासनाचं बेस्ट गीतकार अवॉर्ड मिळालं, ती हलाल फिल्म माझी, ते ते गाणं त्यांनी लिहिलं होतं। आणि त्यानंतर अजून म्हणजे हा विषय नाही पण सांगतो, यावर्षी पण माझी एक पिक्चर भोंगा ज्याला महाराष्ट्र शासनाचे 6 अवॉर्ड्स मिळाले, त्यात पण त्यांनी गाणं लिहिलं। आणि सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग ने मतलब मुझे, मैं जो फिल्म से जुड़े सभी प्रोड्यूसर साहब हैं और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सर आप हैं, और मनोज सर आप भी रिकॉर्डिंग पे आए थे, आपने बहुत मुझे प्रोत्साहन दिया है, समझाया बहुत कुछ। इनफैक्ट मैं एक थोड़ा सा करेक्शन, इट्स कृष्णा बेउरा नॉट बरुआ, बरुआ लोग असम से होते हैं, मैं उड़ीसा से हूँ, तो बट बेउरा जनरली क्या होता है कि मैं लोगों को जब कोई बेउरा प्रोनाउंस करने जाता तो बेउरा बोलता है, तो मैं उनको अतावस कर देता हूँ। तो इट्स एक्चुअली बेउरा, कृष्णा बेउरा, और मैं राखी सावंत से कभी मिला नहीं तो शायद मीडिया बहुत ज़्यादा मेरे बारे में नहीं जानती, तो बट गाने बहुत पॉपुलर हैं। तो सर आपसे भी मैं बहुत हमेशा टीवी पे देखता हूँ आपको, आज पहली बार देखा आपको सामने, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी लगी मुझे सर, कि मुझे मालूम नहीं कि इतने दिग्गज नेताओं के भी जो होता है ना सेंस ऑफ ह्यूमर अंदर कहीं ना कहीं रहता है, तो आई एम रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दैट। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर चूजिंग मी फॉर दिस फिल्म, बहुत अच्छा लगा, और एक नॉन महाराष्ट्रियन होने के बावजूद भी मुझे इस गाने के लिए चुना गया, वो बहुत बड़ी बात है, और मैं इसको बहुत ही फख्र से और बहुत ही प्राउड से मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की मिट्टी ने, यहाँ के पानी ने, यहाँ के नमक ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हम उस चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र से पूरे हिंदुस्तान में दिग्गज कलाकार हैं गाने वाले, उसके बावजूद भी आपने मुझे चुना, धन्यवाद जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आणि हे नाव मी विद्यार्थी जीवनापासून पाहतो, एकांकिकेचा काळ असेल, नाटकाचा काळ असेल, नंतर सिरियल्स असतील, आणि आता चित्रपट, सामाजिक बांधिलकी जपत या माणसाने आतापर्यंत जे काही समाजाला देण्याचा आपल्या चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रयत्न केलेला आहे त्याबद्दल मी तुम्हाला धन्यवाद मानतो। मुळामध्ये इथे येण्याचं माझं प्रामुख्याने कारण मी लोककलेच्या क्षेत्रामध्ये काम करतो, आणि ह्या चित्रपटाच्या माध्यमातून जरी आजचे समकालीन मूल्य साधत त्याच्यावरती भाष्य केलं जात आहे, तरीसुद्धा त्यांनी लोककलेला न्याय दिला आहे की यामध्ये ठेवणीतली बैठकीची लावणी आणि आदिशक्ती आदिमायाचा 3.5 शक्तिपीठाचा गोंधळ तो अप्रतिम त्यांनी मला दाखवला, आणि तेव्हा मी त्यांना म्हणालो की तुम्ही छान पद्धतीने या चित्रपटाला महाराष्ट्राच्या मातीचा गंध दिलेला आहे, आणि म्हणून मला आवडेल तुमच्या म्युझिक लॉन्चच्या वेळेला, आणि पुढे चालून आपण कामही करणार आहोत, धन्यवाद। निश्चित रूप से क्या होता है कि राजनीति
में आकर केवल स्वयं के तिजोरियां भरने वाले जो लोग हैं, जिस प्रकार के उस प्रकार के जो लोग हैं कि पार्षद होने से पहले साइकिल थी, फिर अचानक पार्षद होने के बाद उनके पास मर्सिडीज आ गई, तो ये इसके पीछे का भी कोई कारण है। व्यवस्था के अंदर जो ये लगा के रखे थे, मुझे कहने के लिए हर्ष हो रहा है कि ये सारी चीज़ें मोदी जी हटाना चाहते हैं, उसका कंप्लीट निर्मूलन करना चाहते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ें दिखती है। और सामान्य इंसान, क्योंकि वो नष्ट करना जैसे सरकार का काम है, तो उसे नष्ट करना सामान्य इंसान हमारा भी काम है कि वो ना हो और उसके प्रति हम भी जागृत बने। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि सारी चीज़ें सब कुछ सरकार नहीं कर सकती, कि लाँच देना भी गुनाह है, अगर कोई मांगता है तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए, और अगर सामान्य इंसान उसके खिलाफ यदि आवाज़ उठाता है तो वो क्या असामान्य कृति कर सकता है, बस यही बात है। अतः वश में उसका गाना और उसका पोस्टर आज रिलीज था, ये पोस्टर है, और मैं एक बहुत ही डिफरेंट रोल कर रहा हूँ। खैर, मैं फिल्म मराठी में है, मराठी फिल्म आजकल बहुत बढ़िया बनती है, मैं तो कहूँगा कहानी की दृष्टि से भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं, मिट्टी की फिल्में होती हैं। तो बस अभी वो फिल्म रिलीज पे है, और 15 अगस्त का औचित्य देखकर ये वंदे मातरम जो गाना है आता बस, वो भी रिलीज हुआ है, वो सुनकर दर्शकों को भी एक जो राष्ट्र भक्ति है या राष्ट्र चेतना है वो भी निश्चित रूप से जागृत होगी।